नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है और अब नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। मांझी के घर आम पर नीतीश का पहरा। मुख्यमंत्री आवास में रह रहे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को बंगले में लगे आम और लीची का आनंद लेने से रोकने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 24 पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं। पुलिसकर्मियों की तैनाती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके पूर्व उत्तराधिकारी रहे मांझी के बीच एक नया विवाद हो गया है। जीतन राम मांझी ने जब इस बारे में प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि उनसे मिलने बड़ी संख्या में गरीब आते हैं और वे फलों को तोड़ न लें, उससे रोकने के लिए ये सुरक्षा व्यवस्था की गई है। रुक सकता है अन्य राज्यों से आए एसीबी अधिकारियों का वेतन। केंद्रीय गृह मंत्रालय उप राज्यपाल की अनुमति के बिना अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा में शामिल होने वाले अधिकारियों का वेतन रोक सकता है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि एसीबी में अन्य राज्यों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवैध है अगर इसके लिए उपयुक्त प्राधिकार उप राज्यपाल से औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई है। अधिकारी ने बताया कि यदि सेवा नियमों का अनुसरण नहीं किया गया है तो केंद्र सरकार संबंधित अधिकारियों के वेतन को रोकने को मजबूर होगी। अमेरिका की परमाणु अप्रसार संधि को बढ़ावा देने की नीति को उस समय करारा झटका लगा जब पाकिस्तान ने संधि को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। विदेश सचिव एजाज अहमद चौधरी ने सुरक्षा, कूटनीतिक स्थिरता और अप्रसार के मुद्दों पर अमेरिकी अधिकारियों के साथ हुई वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, इसीलिए वो एनपीटी पर दस्तखत नहीं करेगा। इस संधि पर अब तक 190 देशों ने दस्तखत कर दिए हैं।